नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ड्राइवर योजना का आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इसके बारे में सारी जानकारियां दी हुई है, आप देख सकते हैं। इस योजना का को बनने के लिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे जिसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹500 टू PSV बजट होल्डर्स ऑफ पैरा ट्रांजिट व्हीकल, जिसमें हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। इस पर क्लिक करना है। इसके बारे में सारी आपको डिटेल यहां पर मिल जाएगी। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको इसके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे उसके बारे में यहाँ बताया गया है, जिसमें इसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द होल्डर्स ऑफ पब्लिक सर्विस व्हीकल, वेजेस एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ पैरा ट्रांजिट पब्लिक सर्विस व्हीकल टू माइग्रेट द फाइनेंशियल होल्डरशिप being faced during the lockdown due to novel coronavirus COVID-19। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कोरोना 19 की वजह से आपको बता दिया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन पर आपके नीचे क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस के लिए इंस्ट्रक्शन फॉर द PSV बजट होल्डर विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और पैरा ट्रांजिट पब्लिक सर्विस व्हीकल्स, पहले पे दिया हुआ है वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 विल बी प्रोवाइडेड टू द होल्डर्स ऑफ PSV बजट विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ पैरा ट्रांजिट पब्लिक सर्विस हो व्हीकल्स। दूसरे में दिया हुआ फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी क्रेडिटेड इन आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट ओनली ऑफ द एप्लीकेशन। इसके बाद ये सारी डिटेल दी हुई है आपके साथ, को कौन कौन से दस्तावेज चाहिए वो उसके बारे में बता रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद PSV बजट नंबर, वेज नंबर, मोबाइल नंबर, वैलिड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कौन सा जेंडर है आपका, आधार कार्ड, वैलिड आधार कार्ड नंबर, जो आधार कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है वो आप आधार कार्ड का नंबर की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। आप इस पोस्ट में कुछ गलत चीज़ डाल देते हो तो सरकार तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई भी कर सकती है, जिसके लिए नोट भी दिया हुआ है जिसमें एक्ट IPC एक्ट की धारा भी लगाई हुई है। इसमें एक दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एप्लीकेशन स्टेटस, उसके बाद क्लिक मी पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, वो इस तरह से दिखेगा। गिव ग्रेवलाइंस रेजिडेंशियल फॉर्म, इसमें आपको अपना एप्लीकेंट नंबर, जो एप्लीकेंट नंबर आपको दिया हुआ है वो एप्लीकेंट नंबर यहाँ भरा जाएगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर नंबर दिया हुआ है वो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ दिया लिखा जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ आपको डालना पड़ेगा, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पर लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ भी उसके बाद PSV वेज नंबर, जो PSV वेज नंबर जो आपके पास दिया होता है वो इसमें यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, सबमिट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ग्रेवलेंस रेजिडेंस ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन हो चुका है जिसमें ग्रेवलेंस रेजिडेंशियल फॉर्म, इसको फिल करना पड़ेगा आपको। इसमें सबसे पहले पूछा गया एप्लीकेंट नेम, जो एप्लीकेंट नेम है वो आपको, जो फॉर्म भरा जा रहा है जिसके नाम से उसका एप्लीकेंट नेम भरा जाएगा। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर इसमें फिल करा जाएगा।
पीएसवी वेजेस नंबर, जो पीएसवी वेजेस नंबर है आपका, वो इसमें भरा जाएगा। तो पिछले पेज पे आप देख चुके हैं जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस और वेजेस नंबर मांगा गया था, तो वहाँ से आपको वेजेस नंबर निकल जाएगा। आधार कार्ड, आधार नंबर जो आपके आधार कार्ड पर गवर्नमेंट ने आधार नंबर दिया हुआ, वो यहाँ डाला जाएगा। बस करने के बाद सबमिट क्लिक कर दें। इसके बाद यह मोबाइल नंबर डाला जाएगा, जिसका ओटीपी आपको आपके मोबाइल लिंक पर भेजा जाएगा। ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप करना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी है, चूज कर सकते हैं, बहुत कैटेगरी इसमें दी हुई हैं। उसके बाद ब्रीफ ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट क्या है, कौन क्या कंप्लेंट है आपकी, कोई भी कंप्लेंट हो उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद ये सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, सबमिट में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा।